रेलवे प्रशासन द्वारा रेल यात्रियों की यात्रा आरामदायक बनाने के लिए एवं परिचालन का सुगमता के लिए गोरखपुर हिसार गोरखपुर गोरखधाम एक्सप्रेस के 3 रैकों में से एक रैक को अत्याधुनिक LHB रैक से सुसज्जित गोरखधाम एक्सप्रेस को गुरुवार को प्लेटफार्म नंबर 2 से चलाया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए यात्रियों और मुख्य जनसंपर्क अधिकारी संजय यादव ने कहा, बहुत बेटर सुविधा है, पहले से बहुत अच्छा ट्रेन हो गई है इसका जो चेंजिंग होने से, और बहुत ही आरामदेह भी है और पूरा फिनिशिंग भी है, कोई टेंशन नहीं है। पहले थोड़ी दिक्कतें थी लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं, बेटर लग रहा है, हर बार से भी बढ़िया है। खासियत में देखिए, सीट का बैठने का है, पीछे भी अपना आराम से बैठ सकते हैं, साफ सफाई में भी बिल्कुल ओके है, और खाने के लिए टेबलें हैं, बिल्कुल हर चीज़ अवेलेबल है इसमें। तो इसमें जितने अमाउंट के हिसाब से बढ़िया है फैसिलिटी। क्या इसमें पहले भी वही देते थे 245, अभी भी 245 ही दे रहे हैं, कोई चेंजिंग नहीं है। पैसे में भी वही था, आज भी पहले से बेटर भी महसूस हो रहा है, पहले थोड़ी दिक्कतें होती थी। अब कहाँ जा रहे हैं? हम दिल्ली को जा रहे हैं। किस तरह की सुविधा है यहाँ पे? यहाँ पे तो बहुत बेटर सुविधा है, पहले से 2A सीटिंग पहले भी जा चुके हैं ट्रेन से, लेकिन अभी जो ट्रेन है ये बहुत बेहतरीन है, बेस्ट रहा है इसमें। और मोदी जी के लिए तो कौन से बोर्डिंग रखे हैं? ये तो D2 है, ये A1 है, सेकंड AC है, गोरखधाम है, ये न्यू दिल्ली तक आगे हिसार तक जाती है। इसमें नीट जो क्लीननेस है, नीटनेस है, ये बेटर है पहले से कंपेटिवली, अच्छा लग रहा है ये सब देख के। और अमाउंट कितना पे करना पड़ता है? सेम अमाउंट, देयर इज नो हैव टू पे, हमने कोई ज़्यादा इसके लिए कोई पे नहीं किया, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, सेम अमाउंट है। देखिए, गोरखधाम जो है अब तक जो कि ICF कन्वेंशनल रेक चल रही थी, उसको आज से उसकी एक रेक जो है, इसमें गोरखधाम में 3 रेक चलती हैं, तो एक रेक जो है LHB में कन्वर्ट कर दिया गया है। पहले इस रेक में गोरखधाम में 24 कोच लगते थे, लेकिन रिवाइज कॉम्पोजिशन जो LHB रेक का है उसमें 22 कोच लगेंगे, जिसमें से जनरल कैटेगरी, जनरल श्रेणी के जो साधारण श्रेणी है उसके 5, और चेयर कार 2, स्लीपर क्लास के 8, और AC थर्ड के 3, सेकंड AC का 1, और फर्स्ट AC का 1 कोच। इसमें जो है कॉम्पोजिशन बिल्कुल पहले वाला जैसा ही है, सिर्फ जनरल श्रेणी के 2 कोच कम हुए हैं, क्योंकि LHB कोच की लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है, उसमें सीट ज़्यादा होती हैं, इसलिए जो है 2 कोच कम करके ये 22 कोच की ट्रेन जो है आज रवाना की गई है LHB कोच की। सुविधाओं में कोई बदलाव? ये कोच अधिक आरामदायक होते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से भी ये ज़्यादा बेहतर होते हैं, इनमें लेटेस्ट जो फर्निशिंग लगाई गई है और बहुत आरामदायक कोचेस होते हैं ये। किराए में? नहीं, किराया तो वही है, किराए में कोई फ़र्क नहीं। जी, आपको